Hey guys, for more videos on digital marketing, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. Hello friends, मैं उदित। इस वीडियो में हम बात करेंगे पेज स्पीड के एक और एलिमेंट की, जिसका नाम है कॉलिंग CSS बिफोर JavaScript। तो जैसे मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, HTML के बाद CSS और JavaScript का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है वेबसाइट के अंदर। तो बेसिक इशू दैट डिलेज CSS इज सिंपली दैट अ वेब पेज इज कॉलिंग अदर रिसोर्सेज बिफोर इट कॉल द CSS। मैंने आपको पहले बताया था कि जो CSS है ना, वो लुक एंड फील के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और अगर CSS ही कॉल नहीं होगी तो वेबसाइट में कुछ नहीं दिखेगा। मे भी हो सकता है लोडर भी नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। लोडर तो तभी दिखता है जब वेबसाइट लोड हो रही होती है, लेकिन वो भी एक डिज़ाइनिंग का ही पार्ट है। आपने देखा बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स में दिखता है लोडर। तो अगर आपकी वेबसाइट की CSS कॉल नहीं होगी तो कंटेंट कितना भी होगा वो विजिबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो हमें फोकस करना होता है पहले विजिबल कंटेंट, जो टॉप ऑफ द पेज यूज़र को दिखे, फटाफट से दिखे, अदरवाइज वो वेट करता करता चला जाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ रेफरिंग टू द ऑर्डर इन विच कॉल्स फॉर रिसोर्सेज अपीयर इन द HTML। अब जब HTML पेज किसी भी ब्राउज़र में खुलता है तो ब्राउज़र उसको कैसे प्रोसेस करता है? ईच थिंग योर पेज लोड्स टेक्स सम अमाउंट ऑफ टाइम, ठीक है। टू गेट CSS टू द ब्राउज़र फर्स्ट We must remove anything that is loading before it. जो उससे पहले हो रही है वो हटानी पड़ेगी हमें। This is typically as simple as changing the order in which your HTML calls resources. तो basically जो HTML call करता है उसका जो order है या जो उसका procedure है उसमें थोड़ा सा change करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? अब वो तो depend करता है हमारे पे कि हम page में कैसी coding डालते हैं, कौन सी चीज़ पहले है, कौन सी चीज़ बाद में। तो जैसे यहाँ पे एक image में आप देख रहे हो, ठीक है, ये order हमें चाहिए। सबसे पहले हमें CSS को call कराना, फिर हमने इमेजेस को कॉल कराना। देखो इमेजेस तो लुक एंड फील है, लेकिन CSS तो स्ट्रक्चर है, लेआउट है। स्ट्रक्चर लेआउट ही नहीं आएगा तो इमेज फिट कहाँ पे होगी? बिना स्ट्रक्चर और लेआउट के इमेज भी अच्छी नहीं लगती। तो पहले स्ट्रक्चर लेआउट आना चाहिए, कलर थीम आनी चाहिए, उसके बाद इमेजेस आनी चाहिए, उसके बाद इन दी एंड जो डिज़ाइन में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता JavaScript वो आना चाहिए। तो ये बेसिकली ऑर्डर होना चाहिए, लेकिन कभी कभी नहीं होता। कभी कभी लोग CSS से पहले JavaScript डाल देते हैं, और ब्राउज़र करता क्या है, वो तो सिंक्रोनस वे में पूरे पेज को प्रोसेस करता है। मतलब जो चीज़ पहले मिल गई उसको प्रोसेस कर देगा। अब होता क्या है, इमेज देखते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला था कि बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर वो एक एक सेकंड भी लेती हैं, अगर स्टेट पे आपने CSS टॉप पर डाला हुआ, CSS लिया, एक सेकंड में वेबसाइट खुल जाएगी। अगर आपने CSS पहले JavaScript डाला है तो पहले सेकंड में JavaScript, फिर दूसरे सेकंड में CSS आ गई तो वेबसाइट खुल जाएगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे आप JavaScript पहले डाल दोगे, वो जावास्क्रिप्ट दूसरी जावास्क्रिप्ट, दूसरी जावास्क्रिप्ट तीसरी जावास्क्रिप्ट, वो ख़त्म होने के बाद फिर आप CSS पे आएगा ब्राउज़र, फिर जाके पेज खुलेगा। इतनी देर यूज़र नहीं रुकने वाला, फिर CSS, फिर इमेजेस, फिर वीडियोस, तो पेज तो पता नहीं कभी लोड होगा फिर, ठीक है ना। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेक श्योर हर चीज़ से पहले CSS लोड होनी चाहिए। और CSS भी मैं ये नहीं बोल रहा कि पूरे पेज की, ठीक है ना, एटलीस्ट टॉप ऑफ द पेज की तो होनी चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, अबव द फोल्ड, ठीक है ना। जो यूज़र को सबसे पहले दिखना है एटलीस्ट वो तो खुल जाए। इसीलिए CSS को पहले कॉल कराना होता है और JavaScript को बाद में कराना होता है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं। बाकी टॉपिक करेंगे तो और इनडेप्थ जाएंगे इसमें, और अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।